सियासत के एक और खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं, अशोक अरोड़ा, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेशाध्यक्ष हैं और थानेश्वर से विधायक भी। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। लोकतंत्र का एक महाकुंभ जो होने जा रहा है, तैयारी किस तरह की है INLD की? हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है जी। और हमने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटियाँ लगा दी हैं। हमारा प्रचार शुरू होगा, हम गांव-गांव, हर घर में, शहर के हर वार्ड में लोगों के बीच में जाके दस्तक देंगे और हम लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से प्रदेश और देश को खा चुकी है। भ्रष्टाचार में महंगाई की इनकी देन है, बेरोजगारी इनकी देन है और हमारे नेताओं पे जो साजिश के तहत मुकदमे बनाए हैं उसका जवाब आप वोट से दो। सर, रणनीति क्या रहेगी पार्टी की? हमारी पार्टी सीधी तरह से लड़ाई लड़ती है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में है और उसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और वही हमारी रणनीति। चुनाव अहम मुद्दा, सबसे बड़ा आज सबसे बड़ा अहम मुद्दा प्रदेश में व्यापक फैला भ्रष्टाचार और महंगाई और क्षेत्रवाद का जो बोलबाला है, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं? कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, कांग्रेस ने लोगों को कमजोर किया है, कांग्रेस ने देश को कमजोर किया है। आज देश की कितनी बुरी हालत है कि पाकिस्तान के जवान हमारे देश के जवानों का सर काट के ले जाते हैं। आज इस देश के अंदर कितने लोग हैं जो अनपढ़ता का शिकार है, कितने लोग हैं जो आज दो वक्त की जिनको रोटी नहीं मिलती। तो 65 साल की आज़ादी में से 55 साल तक जिस पार्टी ने राज किया हो और अब वो ये कहती है कि हमने खाने की गारंटी देते हैं, खाने की गारंटी की जरूरत 65 साल बाद पड़ी है तो उसकी जरूरत उसका कौन दोषी है? सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी। तो फिलहाल जिस तरह से महागठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं, इसमें इनेलो की क्या स्थिति है? नहीं, कोई महागठबंधन की बात नहीं है। महागठबंधन किसके साथ हो? हम तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, बेसिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ हैं। और महागठबंधन में जिस पार्टी का नाम दिया जा रहा है वो तो सीधे कांग्रेस के हैं। उनके पहले 6 जीतते थे, 5 कांग्रेस में चले गए, उनको तो एक भी जीतेगा तो कांग्रेस में जाएगा, वो तो कांग्रेस की बी टीम है, इसलिए उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। जब भी महागठबंधन की बात होती है तो सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई के स्टेटमेंट आती है कि इनेलो के साथ उन्होंने कभी नहीं रहना, तो ऐसा क्यों, क्या मानते हैं आप? इनेलो के साथ वो तो रहने को तैयार हो चुका है, उसका बाप भी चौधरी देवीलाल के समय में मिनिस्टर है, चौधरी देवीलाल ने कृषि मंत्री बनाया था, परंतु इनेलो कुलदीप बिश्नोई क्योंकि कांग्रेस की भी टीम है, इसके साथ इनेलो कभी नहीं जाएगी। हजका का भविष्य क्या देखते हैं आप? INLD की नज़र में कितने सशक्त है? हजका का भविष्य जीरो है जी। आज इनकी हालात ऐसे हैं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। जब चुनाव आएगा लोग बता देंगे। पिछले चुनाव में भी तो हजका थी और चौधरी भजन लाल जी भी जीवित थे, 6 जीतते थे, 6 में से अकेला रह गया, 5 छोड़ के चले गए। इनका तो ये भविष्य है। सर, भाजपा के साथ यदि बात बनती है तो क्या स्टैंड रहेगा पार्टी? जहाँ तक भाजपा के साथ गठबंधन की बात है, आज भाजपा का गठबंधन जो है कुलदीप बिश्नोई के साथ है और जब तक उनका गठबंधन है हमारा उनके बारे में गठबंधन नहीं हो सकता। वैसे कोई शिकायत नहीं है भाजपा से? नहीं, भाजपा भी कांग्रेस विरोधी है, हम भी कांग्रेस विरोधी हैं, पहले भी कई बार हम इकट्ठे चुनाव लड़ चुके हैं। सिद्धांतिक रूप से हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं और इसलिए हम भाजपा की, जहाँ तक बात है, आज तो गठबंधन उनका कुलदीप बिश्नोई के साथ है और जब तक वो उनके साथ है हमारा गठबंधन नहीं हो सकता। सर, गठबंधन की बात यदि मैं करूं, जो भाजपा हजका गठबंधन है, इसका भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि एक दावा जो किया जा रहा है गठबंधन की तरफ से काफ़ी मजबूत है, INLD किस तरह से देखती है इसको? ये तो प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे ना तब पता लगेगा ये कितने मजबूत है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में चुनाव में भी प्रदेश की जनता दिखा देगी। इनको सारा सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर है, कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है। मुद्दा कोई नहीं है इनके पास? ना कोई मुद्दा नहीं, बता दो, कोई लड़ाई लड़ी हो किसी मुद्दे पर? कुलदीप बिश्नोई ने बता दो आज तक कांग्रेस के पार्टी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई संघर्ष किया हो, कोई बात करी? तो लोकसभा में आपकी पार्टी को कितनी उम्मीद है, कितने सीटों तक जो है दावा किया जा रहा है? देखिए, हम तो 10 की 10 सीटें लड़ेंगे, बाकी दावा तो लोग करते हैं, हम तो लोगों पे विश्वास है, लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवाने का काम करेंगे। अरोड़ा जी, जिस तरह से चुनाव दोनों सर पर हैं और बदकिस्मती से पार्टी के दोनों जो दिग्गज नेता हैं कार्यकर्ताओं के बीच नहीं हैं, तो ऐसे में कितनी कसर मानते हैं आप, कितनी कसर? देखो, हमें दुख है कि हमारे नेता जेल में है, परंतु हमें चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे नेता कोई गलत काम करके जेल में नहीं गए,
वो कांग्रेस पार्टी और सीबीआई की एक साजिश का शिकार हुए और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा और हमारे नेता छूट के आएंगे। और आज उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर बुजुर्ग अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझता है, हर युवा अपने आप को चौधरी अजय सिंह समझकर काम कर रहा है। सर, साजिश कहती है एनएलओ उसको, साजिश कहती है कि कांग्रेस की एक साजिश है, तो साजिश क्यों, आखिर क्या वजह रही? साजिश इस बात के लिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता रॉबर्ट वडेरा को, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार जमीन दे रही थी, तो उसका विरोध किया था। उसके लिए विरोध के लिए हम गवर्नर से मिले थे, सड़कों पर आए थे, हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, और आज उसी का नतीजा है कि वो जेल की सलाखों के पीछे। तो आपका मतलब है कि डरी हुई है कांग्रेस, तभी साजिश रची और चौटाला साहब को? कांग्रेस को एक इस बात का अंदेशा था कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नहीं रोका गया, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करी गई, तो हरियाणा प्रदेश में चौटाला साहब की सरकार बनेगी और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए उन्हें एक साजिश के तहत जेल भेज दिया। लेकिन अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है, हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता बड़ी होकर प्रदेश के लोगों की सेवा करें। सर, चौटाला साहब जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो उनकी आवाज़ में ही एक जादू है, जोश भर देता है कार्यकर्ताओं में, तो वहाँ पे अभी ऐसा नेता फिलहाल अभी पार्टी में नहीं है, होना भी मुश्किल है, लेकिन वो कमी किस तरह से पूरी की जाए? मैंने आपको बताया कि कार्यकर्ताओं ने अपने आप को खुद को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझ के जो उनकी ताकत हमें दी हुई है, उसी ताकत के जरिए उनकी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने आप को चौटाला साहब अजय सिंह समझकर पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। कार्यकर्ताओं से आप मिलते हैं जब भी कार्यक्रम होता है, तो कार्यकर्ता जो हैं, आम कार्यकर्ता जो चौटाला साहब की आवाज़ पे एक जोश में खड़े हो जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं मायूस हैं कुछ? नहीं, कार्यकर्ता मायूस नहीं है, कार्यकर्ताओं में तो और ज़्यादा जोश है, और जोश के साथ गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का लिया कि हमारे साथ साजिश हुई है, और जोश इस बात का है कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। आपने दावा किया है कि चौटाला साहब की गैरहाजिरी में भी जो इनेलो है मजबूत है, लेकिन चौटाला साहब यदि होते, कार्यकर्ताओं के बीच होते, तो क्या स्थिति होती? अरे, चौटाला साहब हमारे से एक मिनट भी दूर नहीं है, हमारे दिलों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बसे हुए हैं। हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपने आप मान के आगे बढ़ते हैं, और जो लोग हमें कमज़ोर करना चाहते थे, इन्होंने जो साजिश इस बात की थी कि ये कमज़ोर हो जाएंगे, परंतु जो हमें कमज़ोर करना चाहते थे, आज तो खुद कितने कमज़ोर हो गए। आप ये देखिए ना, जिस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर दें, जिस पार्टी की केंद्रीय मंत्री चुनाव से भाग जाएं, जिस पार्टी के दिग्गज राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे, जयप्रकाश जैसे, जितेंद्र मलिक जैसे लोग ये कह देंगे हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव के नतीजे तो कल क्या होंगे ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, परंतु चुनाव से पहले भाग के जिन्होंने हार मान ली हो, तो इसका मतलब हम तो मजबूत हैं, कमज़ोर तो वो है। भागने का क्या कारण होता? कमज़ोर हो गए। किस वजह से कमज़ोर हुए हैं? लोगों की ताकत है, लोगों को लूटा इन्होंने, लोगों ने कमज़ोर कर दिया। सर, जो मौजूदा सिनेरियो है, जिस तरह से चौटाला साहब अंदर हैं, और आपने कहा है कि एक साजिश है, इनेलो यही मानकर इसको चल रही है, तो ऐसे में क्या एक हमदर्दी की वोट का भी की भी उम्मीद है पार्टी को? हमदर्दी भी है और गुस्सा भी है जी। हमदर्दी चौटाला साहब के प्रति है और गुस्सा सरकार के प्रति है, और उस गुस्से को जाहिर करने का काम लोग चुनाव में करें। आम लोगों से जब आप मिलते हैं, आपके कार्यकर्ता जब मिलते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से वो इस मामले को पूरी किस तरह से, कौन सी नज़र से देखते हैं? क्या एक हमदर्दी की नज़र से देखते हैं, या फिर वो समझ रहे हैं, या आप समझा पाए हैं लोगों को, आम आदमी को जिसने वोट कास्ट? हमने 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर रैली करी थी, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया था, और जितनी बड़ी वो रैली हुई, आज तक हरियाणा में ऐसी कोई रैली नहीं हुई, इसका सबूत लोगों ने दे दिया कि प्रदेश की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ। चौटाला साहब के बाद आपके ऊपर और अभय चौटाला जी के ऊपर काफ़ी बड़ी एक जिम्मेवारी आन पड़ी है, तो उस जिम्मेवारी के बारे में बताइए कि किस तरह से निभाई जा रही है, और कहीं आपको दिक्कत उनकी गैरहाजिरी में आगे बढ़ने में? हम तो सिर्फ ना अजय सिंह, अभय सिंह जी और अशोक अरोड़ा, ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में चौटाला साहब का संदेश लेके जा रहे हैं। मजबूत जो पार्टी को कराया हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कराया, और हमने अपने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर फक्र है कि उन्होंने अपने आप को चौटाला साहब और अजय सिंह समझकर
एक पार्टी को अपने कंधों पे उठाया हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा वर्ग है जिससे ज़्यादा समर्थन जो है? हमारी पार्टी कभी भी ये इस बात पे विश्वास नहीं रखती, वर्ग पे, जाति पे। हम आम पब्लिक के लिए काम करते हैं, और हरियाणा प्रदेश का कमेरा वर्ग, खास तौर पे किसान, गरीब, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा कर्मचारी आज हमारे साथ है। सर, लोग जो हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखी किस चीज़ से हैं? जब आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है? आज किसान तो इस बात के लिए दुखी है कि उनको लागत मूल्य नहीं मिलता, उनके जो फसलों के ऊपर खर्चा आता है, चाहे वो बीज हैं उसके रेट बढ़ गए, खाद हैं उसके रेट बढ़ गए, दवाई हैं उसके रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, आज वो इससे परेशान है। मजदूर इस बात से परेशान है कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। युवा इस बात से परेशान है कि युवाओं की अनदेखी करके केवल एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी दी जा रही है। बिजनेसमैन इस बात से परेशान है कि इंस्पेक्टर रोजाना उसे तंग करते हैं। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इस बात से परेशान है कि उनको मुख्यमंत्री तो कहते हैं नंबर वन, उनको पंजाब के समान वेतन भी नहीं मिलता। तो हर वर्ग की जब अनदेखी होती है तो पर सारा के सारे वर्ग आज सरकार से नाराज हैं और सरकार को वो बदलना चाहते हैं। अरोड़ा जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा जो मुद्दे हैं जिनसे आम आदमी दुखी है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो सबसे बड़ा काम क्या होगा लोगों को राहत देने का? प्रमुख मुद्दे जो हैं वो क्या सॉल्व होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा लोगों का विश्वास जीतने का, क्योंकि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं का, आम जनता का विश्वास सरकार से उठ गया, सरकार की अनदेखी की वजह से, एक क्षेत्र के विकास की वजह से, एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी देने की वजह से, उनका विश्वास जीतना। दूसरा हमारा काम होगा कि हरियाणा प्रदेश का शर्म से सिर झुक जाता है जब अखबारों में पढ़ते हैं कि हरियाणा प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश बना, हरियाणा प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बना, हरियाणा प्रदेश दलितों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बना। आज कानून व्यवस्था का जो दिवाला पिटा है, सबसे पहला काम हमारी पार्टी करेगी कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि आम जनमानस की सुरक्षा की जा सके। घोषणा पत्र भी अभी तैयारी जो है उस वो की जा रही है, सबसे प्रमुख मुद्दे उसमें कौन से रहेंगे? लोगों, बच्चों को, युवाओं को रोजगार का मुद्दा होगा, किसान को उसकी भाव को मिलने का, बिजली पूरी देने का, पानी पूरी देने का, सड़कें जो आज टूटी पड़ी हैं इनको ठीक करने के मुद्दे विशेष होंगे। अभी गोहाना में मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से रैली करके 31 जो घोषणाएं हैं वो लागू भी कर दी हैं, तो इससे आपको लगता है कि प्रदेश की जनता को कोई राहत मिली है उनसे, या फिर एक चुनावी स्टंट इसको? प्रदेश के लोग जान चुके हैं अब कि मुख्यमंत्री अब चुनाव के लिए लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं, और अब लोग लालच वाले आने वाले नहीं हैं, और इसका सबूत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं ही दे दिया। बुजुर्गों को सम्मान पेंशन दी थी चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये, बुजुर्गों की इज्जत करने के लिए, परंतु इस मुख्यमंत्री ने साथ में पत्र लिखकर ये एहसान जता दिया कि मैंने तुम्हें 1000 रुपये पेंशन दिया, मुझे वोट दो, मेरा सहयोग करो। तो चुनाव के नज़दीक उनको लेटर लिखकर इन्हें अपनी मानसिकता दिखा दी कि हम तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे, हम तुम्हें वोट के लिए पैसे दे रहे हैं, परंतु प्रदेश की जनता जानती है कि बहुत लूटा है इन्होंने, अब इसको माफ़ नहीं करेंगे। अरोड़ा साहब, हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कई घोषणाएं की थी, उसके बावजूद भी कर्मचारी सड़क पे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो वो सड़क पे थे, उससे पहले जो शिक्षक वर्ग था वो सड़क पे था, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने किसी वर्ग को भी संतुष्ट नहीं किया। ये घोषणा करी इन्होंने 10 नवम्बर को, 13 नवम्बर को कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए, 21 तारीख से 24 तारीख तक, जनवरी तक कर्मचारी स्ट्राइक पर रहे। उनकी मांग बड़ी जायज है कि हमें पंजाब, और हम पंजाब के कर्मचारी और हम एक ही सेक्रेटरीट के नीचे बैठते हैं, एक ही विधानसभा की छत के नीचे बैठते हैं, उनके वेतन ज़्यादा है, हमारे वालों के कम है, फिर क्यों नहीं उनको देते? वो पुलिस के हमारे कर्मचारी JBT का मांग रहे हैं, क्यों नहीं देते? इस प्रकार टीचर्स को इन्होंने लगा दिया शुरू में गेस्ट टीचर, जो जिस टीचर का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चों का कैसे सुरक्षित करें? तो आज यही कारण है कि हर वर्ग इनकी वादा खिलाफी से दुखी है। सरकार तो आपकी भी सत्ता में रही है अरोड़ा साहब, आपने क्यों नहीं किया पंजाब के समान यदि वेतन? हमारे समय में पंजाब के समान वेतन था, हमारे समय में कभी भी पंजाब से कम वेतन हरियाणा के प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिला।
अब सत्ता में आती है इनेलो तो निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं कर्मचारियों की। कर्मचारियों से हमारे 5 साल के समय में कभी कर्मचारी ने हड़ताल नहीं की, हमने बैठ के उनसे बातचीत की और बातचीत से हल निकाला। अन्ना हजारे के साथ पार्टी ने जुड़ने की कई बार कोशिश की, तो वो क्या एक कोई विचारधारा आपस में मिलती है इस वजह से या फिर नहीं? अन्ना हजारे के साथ हमने कभी भी जुड़ने की कोशिश नहीं की। अन्ना हजारा जी की जो मूवमेंट थी जन लोकपाल बिल का, हमने उसका समर्थन पहले भी किया और आज भी करते हैं। कहाँ तक सहमत हैं उस आंदोलन से या फिर अन्ना हजारे? हम चाहते हैं कि इस देश की जनता का विश्वास प्रजातंत्र पे बना रहे, क्योंकि प्रजातंत्र को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई और अब प्रजातंत्र से विश्वास इसलिए उठ रहा है कि आज भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं, तो अगर इसके लिए कोई मजबूत जन लोकपाल बिल लाकर उसको रोका जाए तो उसके हम पक्ष में उसके साथ। कांग्रेस की जो आपसी कला जो चल रही है आजकल, आपसी फूट गुटबाजी जिसे माना जाए, उसको लेकर किस तरह से इनेलो की क्या? ये सब दिखावे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सब इकट्ठे हैं, अंदर से सब इकट्ठे हैं, बाहर से दिखाने की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या नुकसान होगा कांग्रेस को इसका? ये कांग्रेस से अब लोग दुखी हो चुके हैं, तो इन्होंने पिछले, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि 2005 का जो चुनाव जीता था वो भी इस बात के लिए जीता था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कहने लगा मैं भांगड़ की चौधर ले आऊँगा, भूपेंद्र हुड्डा कहने लगा मैं रोहतक की चौधर ले आऊँगा, राव इंद्रजीत कहने लगा मैं हीरवाल की चौधर ले आऊँगा, किरण चौधरी कहने लगी मैं भिवानी की चौधर ले आऊँगी, भजन लाल कहने लगा मैं गैर जाटों की चौधर ले आऊँगा। तो इस प्रकार नारे दे के जो कांग्रेस का वोट इन्होंने इकट्ठा कर लिया, अब फिर ये चाहते हैं कि कांग्रेस से तो लोग नाराज हैं, हम क्षेत्रवाद में लोगों को बांट के वोट ले लें, परंतु गांठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ा करते। लेकिन आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आम आदमी समझता है ये? अब समझ गया ना, पहले एक बार इनके बहकावे में आ गया, जींद वाले ये सोच गए कि वीरेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा वोट दे दो, भजन लाल को गैर जाट यूँ समझ गए कि मुख्यमंत्री बनेगा, रोहतक के भूपेंद्र हुड्डा को समझ गए वोट दे गए। तो इस प्रकार बार बार लोगों को नहीं बगाया जा सकता। आप खुश हैं इस जो नाटक जिसको? नहीं मैं खुश नहीं, तो नाटक है। नहीं फायदा तो आपको पहुंचेगा ना? कैसा फायदा? अब लोग, अब तो ये कुछ कर ले, अब ये इकट्ठे हो जाएं, अलग हो जाएं, लोग समझ चुके हैं कि अलग अलग हो गए ये वोट मांगेंगे। कोई कह देगा भी हुड्डा ठीक नहीं है कांग्रेस ठीक है, कोई कहेगा वीरेंद्र ठीक नहीं है कांग्रेस ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि लोगों के सामने आ चुकी है इनकी सच्चाई, तो फायदा आपको होगा? फायदा तो हमें तो इस बात का होगा कि लोग, हमने प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, हम इस बात का फायदा होगा। एक युवा टीम को खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या हरियाणा में भी उस तरह की एक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? राहुल गांधी की युवा टीम हो चाहे बुजुर्ग टीम हो, अब राहुल गांधी और कांग्रेस का जादू देश और प्रदेश पे नहीं चलेगा। अशोक तंवर जी को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस का, तो उसको किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कर पाएंगे वो हरियाणा में? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, आपने कहा, क्या वो कुछ जोश भर पाएंगे? कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदला है और हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस को बदलेगी। अरोड़ा साहब, CLU CD कांड जो है काफ़ी चर्चा में भी है और काफ़ी जोश में भी हैं उस मामले को आप लेकर, और आपको काफ़ी उम्मीद भी है उससे, क्या है पूरा मामला और किस तरह से आप इसको देखते हैं और किस तरह से आगे लेके इसको जा रहे हैं? हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक चेहरा CD के माध्यम से आपको दिया कि ये असली चेहरा हरियाणा प्रदेश के मंत्रियों का, मंत्रियों के बच्चों का है, कि किस प्रकार से वो लोगों को CLU के नाम पे लूट रहे हैं। और उसको हमने हरियाणा विधानसभा में भी उठाया, मुख्यमंत्री से मांग की कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, मुख्यमंत्री ने उसकी लोकायुक्त को इंक्वायरी दी, वो भी शर्तों पर, और उसके बावजूद भी लोकायुक्त ने सरकार को रामकिशन फौजी के खिलाफ FIR दर्ज करने का कह दिया। रामकिशन फौजी इफेक्टेड पार्टी है, सरकार तो इफेक्टेड पार्टी नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट जाना है तो रामकिशन फौजी रिव्यू में जाएं या हाईकोर्ट में जाएं, परंतु कितनी दुख की बात है कि सरकार रामकिशन को फौजी को बचाने के लिए रिव्यू में जा रही है, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? इसका मतलब यह कि सरकार ही इनको भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। काफ़ी हो हल्ला मचा रहे हैं आप लोग इस मामले पर, क्या नतीजा कोई निकल रहा है? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके भ्रष्टाचारों को उजागर किया, लड़ाई लड़ी है, लोकायुक्त पे लड़ी है,
हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, जहाँ तक भी हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो आपका आरोप है कि काफ़ी बड़ा एक खेल खेला जा रहा है? आरोप नहीं, हमने दिखाया सारा कुछ, सबके सामने पैसे मांगते देखे गए। अगर पैसे मांगना गुनाह नहीं है तो फिर तो दोषी नहीं है, अगर पार्टी पैसे मांगना गुनाह है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किए हैं इसको लेकर और लगातार आप मांग भी कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल जो सरकार है आपको लगता है कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है? सरकार तो उनको बचा रही है, और इसलिए बचा रही है कि एक रामकृष्ण फौजी नहीं, ऐसे ऐसे 10 फौजी हो रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो 10 और के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो उनको अपनी सरकार जाने का डर है इसलिए इसको बचा रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो सरकार है भ्रष्टाचारी एक सरकार? बिल्कुल, और मुख्यमंत्री उनको पूरा संरक्षण दे के बचाने का काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि ये कौन से मुंह से जनता को ये बता रहे हैं जाके कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, क्योंकि इनके खुद के नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हमारे नेता तो CBI की साजिश का शिकार है, CBI ने और हाई कोर्ट ने खुद माना है कि कोई पैसे का लेन देन नौकरियों में नहीं हुआ, तो एक नौकरी एक तो साजिश का हिस्सा है। हमारे नेताओं पे कोई पैसे का आरोप एक भी साबित कर दे, अब तो 9 साल से इनकी सरकार है। तो मेरा तो सवाल वही है ना, आप उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, वो आपको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, आम आदमी किस पे विश्वास करेगा? आप इस बात को समझ नहीं पा रहे जी। मैं कह रहा हूँ सबूतों के साथ उनको बता, मैं सबूतों के साथ दे रहा हूँ, हमने तो 10 सीढ़ी दे दी है, ये हमारे खिलाफ कोई तो बताए कि किस किस ने किससे पैसे का लेन देन हुआ। अगर नौकरी लगाना कोई गुनाह है तो फिर तो हम दोषी हैं। अरे 1983 इन्होंने PTI लगाए, और कोर्ट में उनकी जब इंक्वायरी हुई उनमें सैकड़ों बच्चे ऐसे पाए गए जिन 10वीं के बाद में की RCBA पहले को रखी थी, जाली सर्टिफिकेट लिए थे। तो इस प्रकार के आरोप लगाने से नहीं, हम तो आज विपक्ष में सरकार में 9 साल से सरकार चला रहे हैं, तो इस प्रकार हमें बताए तो सही किस प्रकार से। BJP के क्या बड़े नेताओं से बातचीत चलती रहती है गठबंधन को लेकर? अगर भाजपा के मैं उसी सवाल पे आता हूँ, क्या कभी बातचीत होती है जिस तरह से चर्चाएं आती हैं बीच बीच में? BJP के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुराने साथी रहे हैं, और पिछले दिनों जब वो बीमार थे पता करने भी गए, उनके बीच में क्या बात हुई मुझे तो पता नहीं। संभावना सर जिस तरह से राजनीति में कभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो गठबंधन होने की संभावना नहीं, मैं कह रहा कभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन यदि होता है तो सर आपको जरूरत है गठबंधन की? क्या इनेलो को है गठबंधन की जरूरत, या अकेले इतना दम है कि लोकसभा और विधानसभा का संगठन और इंडियन नेशनल इतना मजबूत है, अकेले सक्षम है, परंतु अगर कोई कांग्रेस को हराने के लिए हमारा सहयोग करता है तो हम उसका स्वागत करें। दलित उत्पीड़न को लेकर भी कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं, तो उस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि दलित जो है एक वोट बैंक है कांग्रेस का? दलितों का वोट बैंक की तरफ उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हमारी सरकार के लिए इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि देश के अंदर जो हरिजनों के उत्पीड़न के मामलों में जो इंसाफ की रेशो है 30% है, और हरियाणा प्रदेश में मात्र 13% है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपने देखा होगा, उसके बाद यहाँ पे हरियाणा में उसने जो है अपना पैर पसारने शुरू किए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आपको लगता है कि कुछ करिश्मा कर पाएंगे वो? व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, आए वो लोगों में जाए, लोग बताएंगे तो क्या करना उसका। उनके आने से आप चौकस हुए हैं कुछ? हमें अपने संगठन पे विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमें पार्टी कोई आए हमें से फर्क नहीं पड़ता। कैसा रहेगा हरियाणा में यदि आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, हालांकि कह चुके हैं ऐलान कर चुके हैं? अब तो दिल्ली में दोबारा लड़के देख लें, वहाँ भी यही हाल होगा ना, तो हरियाणा में भी वो इस तरह के दावे कर रहे हैं, आपको लगता है कि लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे उनपे? अब हरियाणा में लोगों ने एक मन बना लिया है कि हरियाणा के हितों की लड़ाई लोकदल लड़ सकता है उनके साथ। कमजोरी क्या मानते हैं यदि हरियाणा में वो नहीं अपना जादू कर दिखा पाते, अपना इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो क्या कमजोरी रहेगी उनकी, क्या हो सकता है? उनकी कमजोरी थोड़ी है, ये तो लोग मजबूत हैं हरियाणा के, लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और NLD के साथ हैं। नहीं वो तो सभी दावे करने आपने भी करने हैं, कांग्रेस ने भी करने हैं, उन्होंने भी करने हैं, चुनाव में दिखा देंगे लोग। खाप को लेकर भी जो है काफ़ी राजनीति होती रहती है, तो आपका क्या मानना है इस खाप वाला जो मामला है, INLD किस तरह से देखते हैं? खाप देखो, खाप इस देश की परंपराओं में हमारे बहुत ज़्यादा है,
हमें पहले फैसले लोग कभी थाने कचहरी में नहीं जाया करते थे, गांव में पंचायत करा देती थी, खापे कर देती थी। परंतु मैं एक तो बात कहना चाहूँगा कि कानून जो है वो देश का वो सबसे बड़ा है, तो चाहे खाप पंचायत हो चाहे आम आदमी हो, कानून के दायरे में रहने काम होना चाहिए। सर, जो युवा वर्ग है वो काफ़ी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी सरकार को बनाने में या बिगाड़ने में। आपके भी दो जो युवा नेता हैं वो फिलहाल युवाओं के बीच में हैं और लगातार बीच में हैं जब से उनको जिम्मेवारी मिली है चौटाला जी के बाद। आप ये बताइए कि युवाओं को किस तरह से प्रभावित कर पाएंगे, कुछ नया कुछ युवाओं के लिए लेकर आ रही है INL? हमारी पार्टी ने हमेशा युवा वर्ग को आगे रखा है और मैं बात मानता हूँ जब भी कभी बदलाव आता है प्रदेश और देश में युवा लेके आते हैं, और युवाओं के लिए हमने पहले भी जो हमारी सरकार रही है उनके लिए काम किया और आगे भी करेंगे। युवाओं के लिए सर सबसे बड़ा तोहफा, यदि INLD सत्ता में आती है तो सबसे बड़ा तोहफा क्या है? युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा कि उन्हें मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, क्षेत्रवाद को खत्म किया जाएगा। नौकरियों की यदि बात करें तो नौकरियों में धांधली के आरोप लगते रहते हैं हरियाणा में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? और आपकी हमारी पार्टी में हर वर्ग को नौकरी मिली, हर क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिली, तो भाई भतीजावाद का जो मुद्दा रहता है वो नहीं रहेगा? ना, बिल्कुल, ये सब कल्चर जो है वो क्या खत्म किया जाएगा? प्रयास करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी से भाजपा ने भी कहीं ना कहीं सीख लेने की कोशिश की है। कांग्रेस ने तो खुलकर कहा है कि आम आदमी से सीखने की जरूरत है, राहुल गांधी ने खुद कहा था। आपकी पार्टी को भी लगता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ सीखना चाहिए? आम आदमी पार्टी को हमारे से सीखना चाहिए, असली आम आदमी जो है हम हैं। हमारी पार्टी के नेता चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। ये जो आज बात करते हैं ना खुले दरबारों की, आज से 25 साल पहले चौधरी देवीलाल ने SP और DC को वृक्षों के नीचे बैठा के लोगों की समस्याएं हल करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार लगा के लोगों से पूछा था बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है, और इससे बड़ी सबूत क्या होगा कि राम कुमार कश्यप जैसे एक गरीब को, रणवीर प्रजापति जैसे एक गरीब को देश की पार्लियामेंट में भेजा, इससे ज़्यादा आम आदमी इनको सीख तो हमारी पार्टी से लेनी चाहिए। अरोड़ा जी, आखिरी सवाल के क्या लोकसभा में कितनी उम्मीद रखते हैं, कितनी सीटें जो हैं वो INLO को जाएंगी? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, 10 की 10 सीटों पे INL मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम सीट हम जीते। किस आधार पर इस तरह का? अपने संगठन के बलबूते पर, कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी के खिलाफ लोग समर्थन मिल रहा है पूरा बिल्कुल। और विधानसभा इसके बाद है, विधानसभा में किस तरह का रहेगा प्रदर्शन? विधानसभा के चुनाव होंगे ना जब, तब देखना। हमारे एक नेता होते थे शिवराम वर्मा, आज बेचारे संसार में नहीं है। जब इमरजेंसी हटी थी ना देश में से, हम वो जलसे कर रहे थे, हम सुनने वाले थे, तो जलसों में भीड़ कम आ रही थी तो उनके कार्यकर्ता मायूस हो रहे थे, तो उसने कहा था कि मायूस मत हो, लोग तो बुक्कल में ईंट लियो बैठे, चुनाव डिक्लेयर होते तो देखो इनको कैसे मारेंगे। अरे वही हुआ था, जब चुनाव हुआ था ना डिक्लेयर, तो पूरे नॉर्थ भारत में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था, हरियाणा में इस प्रकार से कांग्रेस का। तो गठबंधन भी पिटेगा? मैं कह रहा आप देखते रहो, किसी का कुछ रहने का ही नहीं रहना। तो ये है अशोक अरोड़ा जो अपनी पार्टी के लिए काफी उम्मीदों के दावे कर रहे हैं। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।